बात करूं, मैं भी रशिया पिछले दिनों गया था। आप लोगों को रशिया के बारे में बताऊं कि रशिया में एक भी हिंदुस्तानी मंदिर नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उन्होंने वहाँ पर इसको बैन करके रखा है। लेकिन उसके बावजूद प्रजापिता ब्रह्म कुमारी भारतीयता की संस्कारों को वहाँ पर लेके जा रही है, ना केवल वहाँ पर लेके जा रही है बल्कि वहाँ से उनको यहाँ पर लाया है और इस वक्त ये हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनके कोऑर्डिनेटर को पूछना चाहूँगा कि क्या इनको किसी प्रकार का कोई मंत्र आता है, उसका हम यहाँ पर उच्चारण करें। डू यू नो एनी मंत्र? ओम नमो शिवाय। महादेव का भक्त रशिया से। ओम नमो शिवाय। मन मन का मन का मन का मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा न कोई। देखिए हिंदी में भी है शिव बाबा मेरा एक दूसरा न कोई। मेरा जूता है जापानी है, पतलून इंग्लिश्तानी, सर पीला तो फिर उसे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इसको इसको पालेंगे लेकिन बिट लगे हां बिट ला हां अरबी लगे हां मेरा जूता है जापानी है, पतलून इंग्लिश्तानी, सर पीला तो फिर उसे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी लेकिन आत्मा हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह। मतलब हमारे राज कपूर तो जूता जपाने की बात करते थे और इन्होंने कहा उन्हीं की तरह कि आत्मा हिंदुस्तानी है। अध्यात्म कभी भी देशों की सीमा नहीं देखता, वो मन का भाव देखता है और इसलिए दिल हिंदुस्तानी होना किसी देश का द्रोह नहीं है। उस देश के साथ प्रेम करते हुए भी आत्मा हिंदुस्तानी हो सकता है, यही हिंदू दर्शन का, हिंदू फिलोसॉफी का सबसे बड़ा विश्व के सामने आदर्श उदाहरण है। और इसलिए कुंभ ही महान नहीं है, कुंभ का विचार और कुंभ में सहभाग लेने वाले करोड़ों साल से आने वाले लोग भी महान हैं। मैं इन लोगों के लिए अपने दर्शकों को कहूंगा कि टीवी पर मोबाइल पर जब इस वीडियो को देखें तो इनके लिए आप सब लोग तालियां बजाएं। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।